Hello students, in the last video we have studied about the H parameter. Today we will start with the ABCD parameter, which is also called as transmission parameter. Okay, and we will also study the equations of inverse ABCD parameter as well. Okay, now what is ABCD parameter or transmission parameter? Okay, ABCD or transmission parameter. Now equations are V1 and I1, A V2 minus B I2, C V2 minus D I2. ओके, अगर आपको लास्ट वीडियो रिमेंबर होगी तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप V1, I1, V2, I2 में से टू टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड यूज कर लेते हैं, जैसा कि हमने V1, I1 इस साइड यूज किया है, तो जो रिमेनिंग रहेंगे वो दोनों इक्वेशंस में आएंगे आपके V2 I2 एंड V2 I2. ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये जो आपका फर्स्ट इक्वेशन है दैट इज योर KVL इक्वेशन, एंड जो आपका सेकेंड इक्वेशन है वो आपका KCL इक्वेशन. ABCD पैरामीटर में सिर्फ एक न्यू चीज याद रखने वाली है कि यहां पर आपका प्लस की जगह माइनस साइन होता है. ओके, सो दिस इज योर ABCD पैरामीटर और ट्रांसमिशन पैरामीटर. अब अगर मैं डेफिनेशन वाइज एक एक वैल्यू कैलकुलेट करूं, लाइक व्हाट इज ए, व्हाट इज बी, व्हाट इज सी एंड व्हाट इज डी, देन ए इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 और जीरो क्या हो जाएगा आपका यहां पर I2. सो ए क्या हो गया आपका, ए हो गया आपका वोल्टेज अपॉन वोल्टेज, दैट इज अगेन यूनिट लेस. और आपको याद होगा लास्ट वीडियो मैंने बताया था कि अगर 1/2 हो तो यह क्या होता है, इनवर्स वोल्टेज गेन. So A is inverse voltage gain. Now what is B? B is V1 upon I2. V1 upon I2 और जीरो क्या हो जाएगा आपका, V2 हो जाएगा आपका जीरो. ओके, लेकिन जैसा कि आपने लास्ट पैरामीटर में आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखते थे, यहां पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखनी होगी कि जब आप V2 को जीरो करते हैं तो A V2 वाला टर्म आपका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा. तो V1 क्या होगा आपका, माइनस बी आई टू. ये आपको ध्यान रखना होगा कि यहां पर V1 जो है वो माइनस बी आई टू है, यहां पर प्लस साइन नहीं है आपका. तो यहां पर जो इक्वेशन में साइन होगा वो माइनस का होगा, बी इज इक्वल टू माइनस V1 अपॉन I2. ओके, सो अब अगर आप यहां ध्यान से देखें, V1 अपॉन I2 क्या होता है हमारा, V अपॉन I होता है इंपोर्टेंस, एंड V1 आपका न्यूमरेटर में है, दैट मीन्स आप क्या बोलेंगे, इनपुट. ओके, और 2 आपका डिनोमिनेटर में है, तो 1 2 क्या बोलेंगे, ट्रांसफर इनपुट इंपेडेंस. मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था टू पोर्ट नेटवर्क की, जब हमने जेड पैरामीटर पढ़ा था, कि अगर आपका 1/2 या 2/1 हो तो आप ट्रांसफर वर्ड यूज करेंगे, और इनपुट या आउटपुट के लिए आप न्यूमरेटर को चेक करेंगे. न्यूमरेटर यहां पर आपका 1 था, दैट इज इनपुट. ओके, नाउ व्हाट इज सी, सी इज इक्वल टू, आप इक्वेशन से चेक करिए, इक्वेशन में आपका सी क्या हो रहा है, I1 अपॉन V2, जीरो क्या करना होगा, जीरो हमें करना होगा I2. तो जो आपका I2 है वो क्या हो जाएगा यहां पर, जीरो हो जाएगा. तो आपका यहां पर क्या इक्वेशन बन के आ रहा है, यहां पर I1 अपॉन V2, I1 मीन्स करंट, V2 मीन्स वोल्टेज. So, I अपॉन V क्या होता है आपका, एडमिटेंस होता है, अगेन 1/2 या 2/1 का फॉर्म है आपका. तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ट्रांसफर, और आपका जो 1 है वो न्यूमरेटर में है, दैट इज इनपुट. सो क्या हो जाएगा आपका, ट्रांसफर इनपुट एडमिटेंस. ओके, नाउ लास्ट इज योर D. D क्या हो जाएगा आपका, I1 अपॉन I2, अगेन आपको यह चीज माइंड में रखनी है कि माइनस साइन के साथ होगा. ओके, सो कितना हो जाएगा, माइनस I1 अपॉन I2, और आपका जो जीरो होगा वो कितना हो जाएगा, V2. सो V2 इज इक्वल टू जीरो. सो आपका क्या बन गया यहां पर, I1 अपॉन I2 मीन्स करंट गेन, और 1/2 है तो क्या कहेंगे आप, इनवर्स करंट गेन. सो दिस इज इनवर्स करंट गेन. ओके, सो ये आपके ABCD पैरामीटर्स की डेफिनेशन होती है, और ट्रांसमिशन पैरामीटर की डेफिनेशन होती है. सो ट्रांसमिशन मैट्रिक्स इज इक्वल टू ए
बी सी एंड डी। तो इस तरह से आप ट्रांसमिशन मैट्रिक्स के एक एक टर्म को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? नाउ जैसा आपने एच पैरामीटर के साथ इनवर्स एच पढ़ा था जो कि आपका जी पैरामीटर था, उसी तरीके से हम एबीसीडी पैरामीटर के साथ इनवर्स एबीसीडी पैरामीटर के इक्वेशन भी चेक करेंगे। ठीक है, तो इनवर्स एबीसीडी पैरामीटर दैट इज वी टू आई टू। एबीसीडी पैरामीटर क्या था आपका? वी वन आई वन, ये होता है वी टू आई टू। ओके, सो अगेन रिमेनिंग क्या क्या रह गया आपके? वी वन और आई वन आपका रिमेनिंग रह गया, तो यहां पर आ जाएगा आपका वी वन आई वन वी वन आई वन। तो ये कितना बन जाएगा आपका? ए इनवर्स बी इनवर्स सी इनवर्स डी इनवर्स, ओके, माइनस एंड माइनस, बिल्कुल सेम होगा आपका जैसा आपका एबीसीडी पैरामीटर का इक्वेशंस था। नाउ यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार क्या होता है कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो ए इनवर्स को 1 बाई ए लेने लगते हैं। तो आपको मैं बता दूं यहां पर जो ए इनवर्स या बी इनवर्स या सी इनवर्स या डी इनवर्स है ये जस्ट रिप्रेजेंटेशन है, ये 1 बाई ए नहीं है या 1 बाई बी नहीं है, ये आपके सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। ए इनवर्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी होगी, ये एक सिंबल है बस, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका होता है इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर। क्लियर है पॉइंट यहां तक हम लोग को? ठीक है। नाउ तो हम लोगों ने सारे के सारे इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहां पर स्टडी कर लिए हैं, उनकी बेसिक डेफिनेशन हम लोगों ने स्टडी कर ली है। ठीक है, लाइक जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर एंड एबीसीडी पैरामीटर, ये चारों आपके बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा हमने जी पैरामीटर और इनवर्स ट्रांसमिशन पैरामीटर के इक्वेशन भी हमने देख लिए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अब क्या करेंगे, हम लोग ये कैलकुलेशन करने की कोशिश करेंगे कि सपोज करिए एग्जाम में कोई नेटवर्क इस तरह से दिया हुआ है कि उसका जेड पैरामीटर कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, लेकिन हमसे एग्जाम में पूछा है कि उस सर्किट का हमें एच पैरामीटर कैलकुलेट करना है, तो क्यों ना हम पहले उसका जेड पैरामीटर जो कैलकुलेशन करना बहुत इजी है उसको कैलकुलेट कर लें और जेड टू एच हम लोग कन्वर्जन कर लें। मतलब कि अगर हमें जेड पैरामीटर नोन हो तो उससे हम एच पैरामीटर डायरेक्टली फॉर्मूला का यूज करके लिख सकें। तो बेसिकली हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या स्टडी करने वाले हैं, रिलेशनशिप बिटवीन पैरामीटर्स लाइक जेड टू एच, टी टू वाई, जी टू जेड एंड सो ऑन। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। और इन जो सारे पैरामीटर्स में आपको अगर कहीं भी कोई डाउट हो डेफिनेशंस में तो आप कमेंट सेक्शन में से लिख भी सकते हैं। ओके, गुड बाय।